अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है रेगर मोर्टिस। अब रेगर मींस रिजिडिटी, मोर्टिस मींस डेथ आफ्टर डेथ। रेगर मींस रिजिडिटी, मोर्टिस मींस आफ्टर डेथ। ठीक है। अच्छा, अब डेथ के बाद, जस्ट आफ्टर डेथ देयर इज गोना बी स्टेट ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन। आफ्टर सम टाइम देयर इज गोना बी स्टेज ऑफ रेगर मोर्टिस। ठीक है, विच हैपन्स अबाउट 2 to 3 hours आफ्टर द डेथ। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट देर इज गोना बी आफ्टर सम टाइम, विच रेगर मोर्टिस 12 hours के लिए रहता है ना, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो टाइम होता है उसको हम सेकेंडरी रिलैक्सेशंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि रेगर मोर्टिस जो होती है उसमें स्टिफनेस होती है मसल की, और मसल की जो बेली होती है ना वो शॉर्ट हो जाती है, मतलब स्टिफनेस हो जाती है और स्लाइटली मसल जो होता है ना वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, स्टिफनेस हुई है और मसल जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद दिस इज़ ड्यू टू केमिकल चेंजेस इन द प्रोटीन ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है, ठीक है। रेगर मोर्टिस में क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ द मसल होता है, मसल फाइबर्स जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली हमें एक्टिन मायोसिन जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो मसल कंट्रैक्ट हो जाता है ना, अब उसको जो होता है ना डिफॉस्फोराइलेशन होती है उसकी, आफ्टर दैट रिलैक्सेशन होती है। लेकिन रेगर मोर्टिस में क्या होता है कि वो फॉस्फोराइलेशन हो जाती है और एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स कंबाइन हो चुके होते हैं। ठीक है, बट देयर इज़ नो डिफॉस्फोराइलेशन, बिकॉज ऑफ दैट देर इज गोना बी हमारे पास रेगर मोर्टिस की स्टेज आ जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास तकरीबन 2 से 3 घंटे आफ्टर डेथ स्टार्ट हो जाती है और 12 hours तक रहती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रेगर मोर्टिस ना डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इट्स गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम सम ऑर्गन, फिर उसके बाद वो ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होती है, छोटे मसल से स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने ना इसमें देखो आईज से स्टार्ट की है, आईज है, ठीक है, फेस है, नेक और ट्रंक है। ठीक है, 3 इज नेक एंड ट्रंक, 4 इज हमारे पास अपर लिम, 5 इज लोअर लिम, 6 इज हमारे पास टो और फिंगर्स ऑफ हैंड एंड टोज। ठीक है, आईज जो रेगर मोर्टिस स्टार्ट होता है 3 to 4 hours, 4 to 5 hours, 5 to 7 hours, 7 to 9 hours, 11 to 12 एंड सॉरी 7 to 9, 9 to 11 एंड 11 to 12। तो आई में 3 to 4 है, फेस में 4 to 5 है, सही है, नेक और ट्रंक में हमारे पास 5 to 7 है, अपर लिम में हमारे पास जो है वो 7 to 9 है, लोअर लिम में हमारे पास 9 to 11 है, और फिंगर्स वगैरह या टोज वगैरह में हमारे पास 11 to 12 है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम आवर्स बाद स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम स्पेशल फीचर्स की बात करें ना, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लो कि हमारे पास जो होते हैं ना गूज़बम्स वगैरह आ जाते हैं और वो ब्लिस्टर्स वगैरह बन जाते हैं और आपकी वॉइस थिकेंड हो जाती है, बस ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब केमिकल चेंजेस वाली बात मैंने कर ली है कि हमारे पास एटीपी नहीं होता, वो चीज़ें। रेगर मोर्टिस हमें क्या हेल्प कराता है, ये हमारे पास टाइम्स सिंस डेथ मालूम करवाने में हेल्प कराता है, बट इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी मतलब टाइम हो गया और कॉज ऑफ डेथ वगैरह हो गया। ठीक है, और बॉडी पोजीशन आफ्टर डेथ वगैरह होगी। ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेगर मोर्टिस आ जाता है ना, तो जो फैक्टर अफेक्टिंग रेगर मोर्टिस है ना, तो उसमें हमारे पास 4 चीज़ें हैं। ठीक है। सबसे पहले मसल की एक्टिविटी, जब बंदा मर रहा था ना तो उसकी मसल की एक्टिविटी क्या थी, अगर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो मतलब कि एटीपी सिंथेसिस, एटीपी ऑलरेडी नहीं है, जब एटीपी ऑलरेडी नहीं है तो हमारे पास क्या होगा कि जो रेगर मोर्टिस है वो लेट होगा, स्टार्ट होगा। अगर वीक मस्कुलर एक्टिविटी थी तो रेगर मोर्टिस जल्दी स्टार्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, हीट में रेगर मोर्टिस जल्दी स्टार्ट होता है, कोल्ड में लेट स्टार्ट होता है। ठीक है।
ठीक है। अब बच्चों या अडल्ट में हमारे पास जल्दी स्टार्ट होता है, ठीक है, बच्चों या ओल्ड लोगों में। अब ग्लाइकोजन का लेवल अगर ज़्यादा होगा, ग्लाइकोजन रिजर्व ज़्यादा होगा तो लेट स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली ग्लाइकोजन गोना बी ब्रेक डाउन एटीपी गोना स्पीसन थ्रू एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास ट्रैगर मोटस। अब हमारे पास एक चीज़ होती है कैरियावैरिक स्पैज़म, ठीक है। कैरियावैरिक स्पैज़म जो होता है ना, ये हमारे पास इट्स जस्ट आफ्टर द डेथ जो होता है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्राइमरी रिलैक्सेशन का स्टेट हमारे पास उसमें नहीं आता, ठीक है। और या तो वो प्राइमरी रिलैक्सेशन का स्टेट नहीं आता, ठीक है, इसके बाद या तो हमारे पास रेगर मोटर स्टार्ट हो जाता है या तो हमारे पास सेकेंडरी रिलैक्सेशन का स्टेट स्टार्ट हो जाता है कैरियावैरिक स्पैज़म के बाद, ठीक है। अच्छा, और इट्स बिकॉज ऑफ द नर्वस ब्रेक डाउन, मतलब कि एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मतलब उसने क्या किया कि अपनी जान बचाने के लिए उसने जो चीज़ें कोशिश की हैं वो इट्स कैरियावैरिक स्पैज़म में वो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना, और ये हमें लास्ट एक्ट ऑफ द पर्सन बताते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सुसाइडल है ना तो क्या करेंगे कि अगर उसके हाथ में बंदूक, मतलब उसके हाथ में बंदूक हो सकती है और हाथ उसके ऐसे हो सकते हैं, या इसके अलावा छुरी वगैरह उसके हाथ में हो सकती है, उसका हाथ ऐसे करके बंद होगा, ठीक है। अच्छा, अगर होमोसाइडल है तो उसके हाथ में बाल वगैरह, जिसको वो लाइक बचने की वो कोशिश कर रहा होगा ना। अच्छा, इसके बाद माउंटेन वो है फर्टिलिटीज़ हैं तो उसके हाथ में घास वगैरह होगी, ड्रोनिंग वगैरह में भी उसके हाथ में घास वगैरह होगी, ठीक है, ब्रांचेस घास वगैरह, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ कैडियावैरिक स्पैज़म, मतलब वो ग्रिप लगा लेती हूँ, ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट होती है, ठीक है। अच्छा, हीट स्टिफनेस भी हो सकती है, मतलब अगर हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेड बॉडी को हीट करें ना तो वो हीट स्टिफ भी हो सकती है, और कोल्ड की वजह से भी स्टिफनेस आ सकती है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।